आप जान रहे हैं कि विधानसभा के लेकर के सरगर्मी बहुत तेज हो गया है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता भी लगा दिया। इसके लेकर के सभी प्रत्याशी, सभी दलों के प्रत्याशी ने पूरा जोर शोर से अपना दमखम लगा रहे हैं। और चलते हैं अभी भाजपा के नेता से भी बात करते हैं, भाजपा के प्रत्याशी से बात करते हैं। सभी पार्टी जो है अपने अपने विधानसभा में जोर खोम से रुझान दे रहे हैं। और अभी बात करते हैं यहाँ भाजपा से जो अभी उम्मीदवार के रूप में प्रचलित हुए हैं, बजेंद्र पाठक जी से। झारखंड दृष्टि न्यूज में बाबा आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका झारखंड दृष्टि न्यूज में समय देने के लिए। लो जी, अभी जो चुनाव जो है आचार संहिता लग गया, नामांकन भी चालू हो गया, अभी तक बीजेपी का जो है अभी तक सूचना जारी नहीं हुआ विधानसभा विश्रामपुर में, इसको कुछ कहिए। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व से जो रिपोर्ट मिल रहा है उसके अनुसार कल तक सूची आने की पूरी पूरी संभावना है और 25 तक नॉमिनेशन का डेट है। उसके दौरान जो है सो सारी तैयारियां कर ली जाएंगी और उम्मीदवार अपना जो है सो नामांकन कर लेंगे। क्या अभी तक कुछ पता है कि विश्रामपुर विधानसभा में किसको टिकट बीजेपी दे रही है? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व को यहां से 3 नाम भेजा गया है, संभवतः उसमें एक नाम मेरा भी है और भी लोग हैं। केंद्रीय नेतृत्व की मुहर उम्मीद है कि आज लग जाएगा, ज्यादा संभावना कि आज लग जाएगी और इसके बाद किसी भी समय सूची आ सकता है। हम लोग भी इंतजार में हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी की, हमारी पार्टी की सूची आ जाए, इसके बाद हम लोग आगे का निर्णय लें कि हम लोग को क्या करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कल सभी गठबंधन की पार्टी की घोषणा कर दी गई है सीट में, लेकिन बीजेपी के द्वारा अभी तक पूरे झारखंड में यानी पलामू प्रमंडल में अभी तक कहूं पर घोषणा की गई है। देखिए, गठबंधन की सीट तो घोषणा हो गई है, प्रत्याशी का घोषणा नहीं हुआ। गठबंधन का सीट कल राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें स्पष्ट क्लियर कर गया और पलामू प्रमंडल में सीट गठबंधन में नहीं दी गई है। ये क्लियर है कि यहाँ से तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या उम्मीद लगाए हैं? उम्मीद तो लगाए हैं प्रथम त्या के मिलना चाहिए सिंबल हमको। 4 बार से विधायक रहे हैं, आज जो है सो मरणासन स्थिति में है, बेड पर वो चल फिर नहीं पाते हैं उस कंडीशन में। और दूसरी चीज जो है कि क्षेत्र में उनका बहुत ज्यादा विरोध भी है, जिस चीज को हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व को बताया भी है और केंद्रीय नेतृत्व ने आश्वासन भी दिया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुकूल ही डिसीजन लिया जाएगा। और इस स्थिति में मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार मुझे मौका जरूर देगी। वो अगर सैंपल आपको नहीं मिला तो क्या प्रत्याशी के रूप में अपनी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग का जो भारतीय जनता पार्टी के विश्रामपुर विधानसभा के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा होती है इसके बाद हम लोग बैठेंगे और बैठने के बाद मंथन करेंगे कि हम लोग को क्या करना है। और ऐसा लगा पूरी कमेटी ने कहा कि नहीं चुनाव आपको लड़ना चाहिए तो चुनाव लड़ेंगे, और यदि कमेटी ने कहा कि नहीं हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे और इनको हराने के लिए या हम लोग को मनोनुकूल यदि सिंबल नहीं मिलता है किसी भी कैंडिडेट को तो उसके अनुसार क्या करना, बैठक में हम लोग डिसीजन लेंगे और उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम लोग चंद्रवंशी बाप बेटा को मानने को तैयार नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। और यदि इस तरीके से दिया भी जाता है तो विश्रामपुर की जनता के साथ अन्याय होगा। और ये जो व्यक्ति है अभी वर्तमान में, ये केवल फॉरवर्ड ही नहीं, पिछड़ा और दलित का भी हितैषी नहीं है, किसी भी सूरत में हितैषी नहीं है। और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी की क्यों न हो, मेरे ही पार्टी का क्यों न हो, क्षेत्र का विकास और लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। अगर विधायक किसी टेम्पल अगर मिल गया तो क्या कीजिएगा? और यदि मुझे पार्टी देती है तो पूरे विश्रामपुर विधानसभा के क्षेत्र का संतुलित कैसे विकास होगा, इसका ब्लू प्रिंट हम तैयार किए हुए हैं। युवाओं के लिए मुझे क्या करना है, बुजुर्गों के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, पहाड़ी क्षेत्र के लिए क्या करना है, ठार के लिए क्या करना है और खैरा विकास के लिए हमको क्या करना है। खैरा क्षेत्र के लिए क्या नाम हो? मेरा नाम ब्रजेंद्र पाठक जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज पलामू विश्रामपुर विधानसभा 77 से।